बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बिल्कुल, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, और घर में पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी करना है, लेकिन पढ़ाई जो भी हो बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। यहाँ अभी स्कूल तो हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई कैसे करेंगे? ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो आप लोगों को पढ़ाई करवाई जा रही है उसको बिल्कुल अच्छे से करेंगे, जैसे हम लोग क्लास में करते हैं। होमवर्क, क्लास वर्क जो भी यहाँ दिया जा रहा है वो सभी अच्छे से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग निकालते हैं अपनी रोली की पुस्तिका। पिछली कक्षाओं में हमने जो भी पढ़ाई करवाई है उसको आप लोगों ने याद कर लिया है ना? बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोगों को सब कुछ याद करते भी जाना है, सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, इसको समझना है, सीखना है। और घर में एक बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, घर पे उसको बार बार देखना है और उसका अभ्यास भी करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए आज हम आगे की पढ़ाई करते हैं। पाठ चार, बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा तो हमने पढ़ लिया, आ की मात्रा पढ़ ली, छोटी ई की मात्रा पढ़ ली, अब आज हम क्या पढ़ेंगे? बड़ी ई की मात्रा। मैंने पहले भी बताया था और आज भी मैं दोहरा रही हूँ कि छोटी ई की मात्रा वर्ण के पहले लगती है, लेकिन बड़ी ई की मात्रा कहाँ लगती है? वर्ण के पीछे में, बाद में लगती है। आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे हमें लिखना है घड़ी, घड़ी हम कैसे लिखेंगे? पहले ये है बड़ी ई, पहले हम वर्ण को पहचान ले रहे हैं, ये क्या है हमारा? बड़ी ई। और ये बड़ी ई की मात्रा हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, किसी भी वर्ण के बाद में बड़ी की मात्रा। तो अब हमने बड़ी को पहचान लिया, बड़ी की मात्रा को पहचान लिया। अब हम देखते हैं कि बड़ी ई की मात्रा लगाकर शब्द कैसे बनते हैं। तो हमने लिखना है घड़ी, घड़ी को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिख दिए हम घ और बड़ी र लिख दिए, इसको घड़ है, इसको घड़ी बनाना है, तो बड़ी की मात्रा किस में लगाएंगे? बड़ी र में बड़ी की मात्रा लगा दिए, तो ये क्या बन गया हमारा? घड़ी। समझ में आया बच्चा आप लोगों को? एक बार और मैं दिखा रही हूँ। अब लिखना है हमें चील, चील कैसे लिखेंगे? च में हम लोग जोड़ देंगे बड़ी की मात्रा, तो क्या हो गया हमारा? ची, ची हो गया। और क्या जोड़ना हम लोग को? ल, चील, तो ची ल जोड़ दिए, क्या बन गया हमारा? चील। इस तरह हम देख रहे हैं कि बड़ी की मात्रा को लगाने से वर्ण की और ल, चील बन गया ये शब्द हमारा। ठीक है बच्चों, बड़ी की मात्रा का उच्चारण हम लोग कुछ देर तक करेंगे, चील। छोटी की मात्रा कुछ कम देर तक और बड़ी की मात्रा कुछ अधिक देर तक, जैसे कि घड़ी, चील, भील, खील, है ना बच्चों? तो अब आइए हम देखते हैं। आप लोग भी अपनी अपनी पुस्तिका साथ में खोल के रखिएगा और यहाँ जो भी मैं बता रही हूँ उसको भी ध्यान से देखिएगा। इस चित्र से क्या दिख रहा है? ये किस चीज का चित्र है? बड़ी ई से ईंट, है ना बच्चों? ये क्या है हमारा? बड़ी ई से ईंट, चित्र से स्पष्ट हो रहा है ये क्या है? बड़ी ई से ईंट, इसको तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अ आ, छोटी ई, बड़ी ई से ईंट। ये क्या है हमारा? दिवाली में हम लोग दिए जलाते हैं ना, दीपक, ये दीपक है हमारा। इसको देखिए, द में हमारा बड़ी लग गया, दी प क, ये क्या हमारा हो गया? दीपक। ये दीपक कैसे बन गया है? द में बड़ी लग गया है, यहाँ देखना है बड़ी की मात्रा को हम रेखांकित किए हैं, द में बड़ी की मात्रा, प क दीपक। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाई हम लोग आगे बढ़ाएंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है बच्चों, द में बड़ी की मात्रा लग गई, दीपक दीपक। यहाँ पे किसका चित्र है? आप बच्चे, आप लोग जू में गए होंगे, वहां पे आप लोगों ने शेर, बाघ, चीता को देखा होगा, है ना? तो ये क्या है हमारा? चीता।
गीता को किस तरह लिखेंगे? च में बड़ी की मात्रा लग गई तो ये क्या हो गया हमारा? ची, है ना? ची, कुछ देर तक उच्चारण ची, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे, चीता। ठीक है बच्चों, दिख रहा आप लोगों को स्पष्ट है? च में लगा दिए बड़ी की मात्रा, तो यहाँ हो गया ची, ची से बन गया चीता। ये क्या है? ये तो सभी बच्चों को पसंद है, ये है मछली। म छ ल में बड़ी की मात्रा मछली। यहाँ देखिए ये बड़ी की मात्रा है, इसमें हम लोग ल में जोड़ दिए हैं बड़ी की मात्रा, क्या बन गया है? ली। तो इस ली को हम लोग यहाँ लगा दिए, माछा ली। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? इसको घर पे फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ अब हम देखेंगे कुछ बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द हैं, ये आप लोगों के बुक में भी दिया हुआ है, पेज नंबर पृष्ठ संख्या 25 में। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा जहाँ शुरू हुई है पाठ चार, वो पृष्ठ हम लोग देखेंगे, या फिर यहाँ वीडियो भी ध्यान से देखिए, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको फिर एक बार और रिविजन कीजिएगा तो बिल्कुल आ जाएगा। च में बड़ी की मात्रा है ची ल ची, ख में बड़ी की मात्रा खी ल खील, भ में फिर बड़ी की मात्रा ल भी ल भील, भ में बड़ी की मात्रा भी ल भील, न में बड़ी की मात्रा नी ल नील। तो बच्चों यहाँ कहाँ कहाँ बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ देख लेते हैं। च में बड़ी की मात्रा है, ख में भी यहाँ बड़ी की मात्रा है, भ में भी बड़ी की मात्रा है, और न में भी बड़ी की मात्रा। ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग? नेक्स्ट लाइन, क ल में बड़ी की मात्रा कली, फूलों की कली को देखा होगा आप लोगों ने पेड़ में, क ल में बड़ी की मात्रा कली, घ बड़ी र, बड़ी र में बड़ी की मात्रा घड़ी, छ बड़ी र में बड़ी की मात्रा छड़ी, न ल ल में बड़ी की मात्रा, यहाँ भी है बड़ी की मात्रा, यहाँ फिर इसमें और यहाँ, जहाँ जहाँ भी बड़ी की मात्रा वहाँ मैंने रेखांकित किया है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, बिल्कुल अच्छी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब ये है दो अक्षरों के शब्द और ये है तीन अक्षरों के, ये सब तीन अक्षरों के हैं और फिर यहाँ चार अक्षरों के। त में छोटी की मात्रा है ना, यहाँ पे इसकी पिछली कक्षा में मैंने छोटी की मात्रा पढ़ाया था आप लोगों को, देखिए यहाँ छोटी की मात्रा का प्रयोग है। ती, त और ल में क्या है? बड़ी की मात्रा, तो यहाँ हम रेखांकित करेंगे क्योंकि अभी हम लोग बड़ी की मात्रा पढ़ रहे हैं। तितली, ढ प ल में बड़ी की मात्रा डफली, ब क र में बड़ी की मात्रा बकरी, ई का उच्चारण कुछ देर तक करेंगे। ग ग र में बड़ी की मात्रा गगड़ी, गगड़ी हम लोग देखा है ना, घड़ा गगड़ी। म ह में बड़ी की मात्रा और न में आ की मात्रा, यहाँ आ की मात्रा का भी हम लोगों का रिवीजन हो गया। महीना में यहाँ पे ह में बड़ी की मात्रा लगी हुई है। न ग में बड़ी की मात्रा, फिर न और आ की मात्रा, ये क्या हमारा हो गया? नगीना। प स में बड़ी की मात्रा, न में आ की मात्रा, पसीना। म द में बड़ी की मात्रा और फिर न है उसमें आ की मात्रा, म दी ना। त र क में आ की मात्रा, र में बड़ी की मात्रा, तरकारी।
सब्जी को भी तरकारी भी बोलते हैं। ब र स में आ की मात्रा, त में बड़ी की मात्रा। बरसाती, बरसाती मतलब रेनकोट। हम लोग बारिश के दिनों में रेनकोट पहन के स्कूल आते हैं ना, तो वही है बरसाती। ज ल ज में बड़ी की मात्रा, र में आ की मात्रा। जलजीरा, गर्मियों के दिनों में हम लोग गर्मी से राहत के लिए जलजीरा पीते हैं। यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, बरसाती में त में बड़ी की मात्रा है और तरकारी में र में बड़ी की मात्रा है। ई ठ ल में आ की मात्रा और त में बड़ी की मात्रा। इठलाती। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों ने देखा एक बार फिर से। चील, खील, भील, नील। कली, घड़ी, छड़ी, नली। तितली, डफली, बकड़ी, गगड़ी। महीना, नगीना, पसीना, मदीना। तरकारी, बरसाती, जलजीरा और इठलाती। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पहले इसको अच्छे से सीखिएगा, तब आगे की पढ़ाई कराई जाएगी। आप सभी बच्चों को हिंदी सुलेख की जो पुस्तिका है, किताब है, उसमें आप लोगों को 2 पेज हिंदी राइटिंग लिखना है। हिंदी सुलेख 2 पेज लिखना है। सभी ने हिंदी सुलेख की किताब ले ली होगी। आज का आप लोगों का गृह कार्य यही रहा कि हिंदी सुलेख में 2 पेज लिखना है और ये जो बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द हैं इसको आप लोग पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, आगे की पढ़ाई अगली कक्षा में। धन्यवाद।